इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती भाग 5, जिसमें हम जानेंगे अंतर अर्जीय असमानता क्या होता है। सबके बीच में तो देख लिए, अब सबके अंदर में असमानता कैसे होती है, जिसके पहलू हम जानेंगे इस भाग में। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। भारत में एक और आयाम है जो निर्धन का एक पहलू है चाहे एक आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। हर राज्य में निर्धन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में जो राज्य के बीच में था, राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है और सब चीज में कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। अब देखो, गरीबी निर्धनता कम करने के जो इन लोगों की मुहिम थी, जो मुहिम ये लोग चलाते थे, जो सफल हुआ, वो हर राज्य में अलग अलग सफलता इन लोगों को मिला। वर्ष 2011 से 12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। इन राज्यों में निर्धनता थोड़ा सा ज्यादा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे से भला कौन जानता है ज्यादा। और आप पढ़ रहे हो तो अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और ओडिशा के ही रहने वाले हो, इनमें से ही किसी एक राज्य के होगे। चाहे आप दिल्ली रहो, केरल रहो, कर्नाटक रहो, मध्य प्रदेश में रहो, हिमाचल प्रदेश रहो, हरियाणा रहो, पंजाब रहो, चाहे कहीं भी रहो। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है कि बिहार और ओडिशा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हैं। अब दो सबसे ज्यादा निर्धन राज्य बने हैं, कौन कौन? दो नहीं, तीन हैं, तीन चार हैं। ऐसे में ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। मध्य प्रदेश में चल जाओ, बिहार में चल जाओ, उत्तर प्रदेश में, ये तीन जगह, ओडिशा में, इन लोगों में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है। शहर में भले ही घर 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 8 मंजिला, 20 मंजिला मिल जाएगा। गांव में जाओगे तो अभी भी मिट्टी का घर मिलेगा, करकट का घर मिलेगा, खपराउल का घर मिलेगा, प्लानी का घर मिलेगा, किसी का तो घर ही नहीं होता है, झोपड़ा पट्टी में रहता है। तो गांव की जिंदगी जाकर जियोगे तो मालूम चलेगा कि गांव की जिंदगी क्या होती है। लेकिन गांव में कुछ लोग जो ज्यादा रुपया कमा लेता है ना, मतलब समझ लो कि शहर उतना रुपया कमा लेता है, वो अपने आप को समझता है गांव का राजा, लेकिन वो होता नहीं है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है और इन राज्यों में गरीबी और निर्धनता में बहुत ज्यादा गिरावट आया है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कमी करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। और आप पंजाब हरियाणा में चल जाओ तो उसमें जितने भी गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, वो सब लोगों में कमी बहुत ज्यादा आ गई है, क्योंकि उन लोगों के क्षेत्र में कृषि बहुत ज्यादा है, खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होता होगा पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, तो पंजाब और हरियाणा में होता है। चावल की खेती हैदराबाद में होती है, हैदराबाद तेलंगाना में सबसे ज्यादा चावल की खेती होगी। केरा चाहिए तो आप चल जाओ हाजीपुर, चल जाओ पटना के, बिहार के हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में चले जाओ, और जितने भी दियरा से सटा हुआ इलाका है उसमें केला की खपत, केला की पैदाइशी, केला की उपज बहुत ज्यादा होती है। केरल में भी केला, नारियल, दाब वगैरह सब बहुत ज्यादा मिलता है। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया और केरल में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण, इसमें सुधार का कारण हो सकता है। और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में अनाज सार्वजनिक वितरण जो है
उसमें सुधार का कारण हो सकता है, सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ठीक है सब चीज मिल जाता है। सबसे ज्यादा मुसलमान तो हैदराबाद में ही मिलेंगे ना आपको, क्योंकि हैदराबाद निजामी था, 800 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा मुसलमानों का। मुसलमानों क्या, जो भारत में है मुसलमान वो भारत के ही है, बाहर वाले मुसलमान के बारे में सोच कर गाली देंगे अपने मुल्क को, अपने देश को, तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऊपर से लोग उनको खुद, ये धरती ही बोलेगी, जो मेरा धरती साफ बोलती है, जो मेरा इज्जत नहीं करता ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए धरती की इज्जत करना जरूरी है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, अब देखो वैश्विक, वैश्विक में आ जाएगा आपको बिजनेस, और आपको विश्व, विश्व में निर्धनता को कैसे देखा जाता है उसके बारे में जान लो। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, पैसा वाला आर्थिक निर्धनता, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से 9 डॉलर, 9 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना जो उनमें रहने वाला लोग है, उनका अनुपात 1990 के 36% गिर गया, 1990 के 36% गिर गया, क्योंकि वही लोग निर्धन हैं जो 1.9 डॉलर से कम कमा रहे हैं, मतलब 150 रुपया से रोज जो कम कमा रहा है वही गरीब है। यद्यपि विश्व की निर्धनता, विश्व में जो निर्धनता है, विश्व की निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई गई हैं, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग प्रकार की इसमें बनावट भी, अलग अलग प्रकार के इसमें गिरावट भी आई है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में, दक्षिण में कौन कौन आते हैं, दक्षिण में आते हैं वो बाद की बात होती है, तो दक्षिण एशिया के देशों में निर्धनता में निवेश कमी आई है, सॉरी निर्धनता में विशेष कमी आई है, बहुत ज्यादा कमी आई है, जो आपको चाइना, चाइना के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, इन लोगों में निर्धनता में कमी आई है। अब सऊदी अरब में चल जाओ, तुमको एक भी सऊदी अरब छोड़ो, दुबई में जाओ, आपको भीख मांगते कोई नहीं दिखेगा, गरीब तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा, ठीक है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 83.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 15 में, 2015 में 0.7% रह गई है गरीबी वहां पे, और निर्धनों की लोग, सब लोग अमीर हो गए हैं, क्यों, वहां पे सरकार ऐसा कर रहा है इसलिए। दक्षिण एशिया के देश, जैसे में दक्षिण एशिया में आते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आते हैं किधर, दक्षिण एशिया में। तो ये लोग, निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है, और 2005 में 34% से गिरकर 13 में 16.2% हो गई है। निर्धनों में प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, निर्धनों की संख्या भी कम हुआ है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गया है। ये आंकड़ा कोई सही नहीं माना, मैं सही मान ही नहीं सकता हूं, बुक में जो लिख दे वो सही नहीं हो सकता, मन मान ले वो भी सही नहीं हो सकता, जो उस समय सही हो वही सही हो सकता है। तो अगर एग्जाम देने कोई जा रहे हो तो उस समय सर्च कर सकते हो, लेकिन अपने बुक के माध्यम से, आपके बुक में दूसरा भी लिख सकता है, क्योंकि आपका बुक नया पॉपुलेशन का होगा चाहे पुराना वाला होगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार के भी लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। विभिन्न निर्धनता, अलग अलग प्रकार की निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है, और राष्ट्रीय अनुमान से निर्धनता आज भी भारत में अलग अलग है, अधिक है, बहुत ज्यादा है, कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है। हम पढ़ रहे हैं निर्धनता एक चुनौती, ये देख लो, निर्धन की बातें चल दिया है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में है, भारत में चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 से
ये प्रतिशत में देख लो, परसेंटेज में बिहार सबसे ज्यादा, बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, और भारत का पूरा 21.9% गरीबी रेखा अभी भी है पूरे भारत का। और इतने प्रतिशत लोग हैं आज भी, सबसे कम आपका है तो केरल में है, केरल में लोग भी तो कम है और केरल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी है। अब जहां पर डेवलपमेंट रहेगी वहां पर गरीब थोड़े रहेंगे, वहां पर निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले लोग थोड़े रहेंगे, वो कहाँ काय लड़ाएंगे, वहां पे अचार डालने के लिए रहेंगे। आइए चर्चा करें, आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्यों करें, तीन राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात मतलब सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। तीन राज्यों का पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद है सब सहारा। सब सहारा मतलब जहां पर रेगिस्तान है, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 में 51% से घटकर 15 में 41% हो गई है। आरेख 3.3 देखें, 3.3 बगल में जो चित्र दिख रहा है उसमें। लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका क्या होता है वो बाथरूम वाला मत समझ लेना, लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 15 में 4% रह गई है, 15 में 4% रह गई है। देखे आरेख 3.3, रूस कैसे पूर्वी समाजवादी, पूर्व के समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः विवप्त कर सक मतलब पुनः पैदा कर सकता है, तो छोड़ पैदा करेगा कि नहीं करेगा, डाटा से मतलब होना चाहिए। जहां पहले अधिकतर रूप से कई निर्धनता थी ही नहीं, मतलब पहले कहीं देखो तो निर्धनता हिले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले की शासन व्यवस्था अलग था, पहले लोग चोरी चमारी नहीं करते थे, पहले लोग मेहनत करते थे। आज पूरे देश में कहीं भी चले जाओ सब रामराज के वंशज मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं है। सब कुछ जानता है सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तो इन सब का परिवार ही सब है। और रावण के छोड़ो यार, मैं धर्म के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहता। तालिका 3.1 जैसा आपने देख चुके हो, तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात 0.19 डॉलर प्रति दिन से नीचे के संख्या जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। जो 150 रुपया से कम कमाता है रोज, वो समझ लो निर्धन रेखा में आता है, वो गरीब है, वो भिखार है, वो हर चीज है, सब है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। और अमेरिका बोलता है कि 2030 तक हम सभी प्रकार के गरीबी को खत्म कर देंगे। दिल्ली पुलिस आर्मी, असम राइफल, और आप आर्मी का किताब उठा के देख लोगे तो ये क्वेश्चन मिलता है, कौन सा देश है जो 2030 तक, चाहे वो छोड़ो, कौन सा देश है जो 2030 तक, ऐसा ही है क्वेश्चन, जो गरीबी को पूर्णतः खत्म करने का दावा करता है। तो वहां पर इसका ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र। दिल्ली राइफल, दिल्ली पुलिस वाले में भी ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, दिल्ली पुलिस का हर पुलिस वाले एग्जामिनेशन में आता है। अब ये चर्चा में देखो, आरेख 3.4 का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें, विश्व में उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। ऐसे जगहों का बारे में बताना है जहां पर निर्धनता गिरी है, निर्धनता कम हुई है, और विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहां निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है। और ऐसे जगहों की भी नाम लिखना है, पहचान करना है, बारे में लिखना है, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में निर्धनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। निर्धनता हैंकटाउन अनुपात कुछ
चुनिंदा देशों के बीच तुलना, ये देख लो, प्रतिदिन 1.9 से कम पाने वालों की संख्या, नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, भारत में 21.2% है 2011 के अनुसार, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो संख्या के अनुसार ही भाई उनका तो बात अलग है, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब दक्षिण एशिया में आते हैं, और दक्षिण एशिया भाई इनकी तो बातें छोड़ दो, एकदम अजूबे लोग होते हैं। तो ये आप याद रखना कि इतने लोगों की डाटा आपके पास है, इतने लोगों का ब्यौरा है कि कौन लोगों के देश में निर्धनता कितना प्रतिशत है, इसको आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, आता है इसमें से। ये चित्र से आपको क्या समझ में आता है, प्रतिदिन 1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग 5 से 15 तक, लाल वाला ब्लू वाला है चीन, पूर्वी एशिया के प्रशांत और दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबिया, ये सब छोड़ो, नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरने से ऊपर उठना है 2015 तक। इसमें सब सहारा अफ्रीका ब्लू सबसे ऊपर है, किस चीज में, क्षेत्र क्षेत्र अनुसार निर्धनों की संख्या 1.90 प्रतिदिन डॉलर मिलियन, ये लोग मिलियन में आते हैं, इतने लोग 2015 में सबका गिरा है, सबके गिरने के बाद अब 800 लोग, 600 लोग, 400 लोग ही बच पाए हैं जो गरीबी रेखा से कम है, 400 मिलियन पूरे विश्व की बात है। ये अगले अध्याय में पढ़े कि इसी अध्याय में पढ़ ले, निर्धनता के कारण, निर्धनता के कारण हम अगले अध्याय में ले चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप हर पाठ को पढ़ो, हर पाठ को पढ़ोगे तो आपको, देखो मैं किताब पर हूं ना तो उतना अच्छा से नहीं समझा पाऊंगा जितना मैं समझा देता हूं, इसीलिए बोलते हैं आप हर पाठ को पढ़ो प्लेलिस्ट के अनुसार, लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन। कोई भी एग्जामिनेशन, मैं वादा करता हूं कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन फेल नहीं होने वाला है, केवल दिमाग में रखना, याद रखना कि पढ़े क्या है, बस टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का केवल, टेंशन लोगे तो समझ जाओ खत्म है बाजार, लेकिन टेंशन दो तो कोई बात नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलने कूदने में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है ना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत भी है और बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट हो, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके।